डर का रहे हो बे? ऊपर रखो जरा उसको। ये देख रहे हो ये कौन है? ये हमारे आइडियल हैं। इनको आइडियल क्यों मानते पता है तुमको? क्योंकि इनको देख रहे हो आप, ये साइकिल के पीछे बैठ के गोलीबाजी कर रहे हैं। इनको इतना कॉन्फिडेंट है कि लाइफ इनको मात नहीं देगी। हमको यही कॉन्फिडेंट चाहिए। रखो ऊपर रखो। अरे ऊपर रखो, कुछ नहीं होगा। रखो 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 रखो, हम बस निशानेबाजी कर रहे हैं और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। रखो ऊपर रखो। अरे वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एपिसोड। और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो काफ़ी शॉर्ट ट्यूटोरियल होने वाला है। शॉर्ट ट्यूटोरियल इसलिए होने वाला है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में वापस से एपिसोड डाल रहा हूँ। ये हर बार का हो गया कि काफ़ी लेट एपिसोड आता है, तो उसके लिए सो सॉरी। लेकिन इस बार लेट एपिसोड डालने के बाद मैंने सोचा कुछ शॉर्ट ट्यूटोरियल डालते हैं, कुछ सिंपल सा ट्यूटोरियल डालते हैं, जिससे क्या होगा कि आप इजिली चीज़ों को सीख पाओ और वो चीज़ यूज़ कर पाओ अपने वीडियो में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे का ट्यूटोरियल डालूँ और कुछ बड़ा ट्यूटोरियल डालूँ और उसके बाद ही कुछ अच्छा आउटपुट मिले। हम लोग शॉर्ट टाइम में ईजी वे में भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो आप अपने शॉर्ट फिल्म में यूज कर सकते हो। तो जो भी आप गनशॉट सीन करते हो, अगर उसको आपको मोर ड्रामेटिक बनाना है, कुछ ज्यादा ड्रामा डालना है उसमें, तो ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। ये वाले गन सीन यूज कर सकते हो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे रिक्रिएट किया था। ये चीज को आप कई मूवीज में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये गिर रही है। तो ये जो मरने से पहले वाला ड्रामा होता है वो अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब कैसे यूज़ करना, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को आपको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, और वीडियो का एंड तक देखो क्योंकि हम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको ये वाला फुटेज लगेगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन फुटेज है। इसका जो प्रैक्टिकल वीएफएक्स वाला सीन होगा वो हम लोग किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। वो थोड़ा सा लेंदी एपिसोड हो जाएगा क्योंकि क्या है, प्रैक्टिकली हम लोग को सारी चीज़ें मूव करनी पड़ेंगी, बुलेट को मूव करना पड़ेगा। और ये जो बंदूक वाला सीन है, पहली बात तो ये वाला एपिसोड देख लेना। इसमें मैंने दिखाया था कि कैसे मजल्स के साथ साथ आप एक धुआं निकाल सकते हो जो कि आपके गोली से निकलेगा। अगर वो चीज़ आप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा एपिक लगेगा आपका सीन। और ये शूट कुछ इस वे में कर लेना है, कुछ इस एंगल पे रख लेना अपने कैमरा को, जैसे कि ये वाला एंगल देख सकते हो आप। ये एक प्रॉपर परफेक्ट एंगल है जिससे आपका बुलेट एकदम रियलिस्टिक वे लगेगा, आई मीन ट्रैवल करता हुआ एकदम परफेक्ट वे लगेगा। तो ऐसा कुछ आपको रख लेना है, यही एंगल पे शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको दूसरा एंगल कुछ ऐसा शूट करना है जैसे आप कैमरा को मूव कर रहे हो। ऐसे मैंने यहां पे कैमरा को फटाक से मूव किया है और मूव करते ही यहां पे इनको गनशॉट लग गया। सिंपली आपको आ जाना कोई भी वीडियो एडिटर पे, आप मोबाइल यूज कर सकते हो या फिर प्रीमियर प्रो भी यूज कर सकते हो। मैंने यहां पे प्रीमियर प्रो एज अ रेफरेंस लिया है। तो प्रीमियर प्रो पे आपको क्या करना है, सिंपली अपने फुटेज को रखना है यहां पे, और ये जो बोलने वेलने वाला सीन खत्म हो जाए जब यहां पे बंदूक की गोली चलने वाली हो, यहां पे आपको यहां पे मजल इफेक्ट लगा लेना है। ये ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है एक एपिसोड में। और ये जो मजल इफेक्ट मिलेंगे, सिंपली लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और अपडेटेड लिंक मिलेगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहां पे मजल इफेक्ट लगा लेना है। यहां पे मैंने लगा लिया। और इसका जो ओपेसिटी मूड है, यहां पे मैंने स्क्रीन चूज कर लिया, तो ये ब्लैक स्क्रीन गायब हो गया और ये एकदम परफेक्टली ब्लेंड हो गया है मेरा। तो जैसे ये कैरेक्टर बंदूक मार रहा है, यहां पे निकल रहा है ये मजल। और ये परफेक्ट लग रहा है इस सीन के हिसाब से। अब यहीं पे हम लोग को ये वाले ग्रीन स्क्रीन को रख लेना है और यहाँ पे परफेक्टली ग्रीन स्क्रीन को निकाल लेना अल्ट्रा की यूज करके। काइन मास्टर यूजर्स भी इसको निकाल सकते हैं क्रोमा की यूज करके। और सिंपली ग्रीन स्क्रीन निकलने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखने लगेगा फुटेज जो कि काफी कूल लग रहा है पहले से ही। इसके ऊपर से आपको ये करना है कि जो आपका नीचे वाला फुटेज है जिसको आपने ओरिजिनली शूट किया है उसको आपको एकदम स्लो कर देना है, 10 या 20% ही रखना, ज्यादा मत रखना। तो ये इसको मैंने 10 या 20% कर लिया है और ऐसा कुछ देख सकते हो कैसा सीन दिख रहा है। इसके बाद से इसके आगे वाले सीन में आपको क्या करना है, सिंपली ये वाले फ्रेम को लगा लेना है, आई मीन ये वाले वीडियो को लगा लेना है, और ऐसा कुछ ओवरऑल फुटेज दिख रहा है। तो बस यार, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस छोटी सी चीज़ है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा इसके लिए, ये मुफ्त है बिल्कुल भी। तो यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी एपिसोड हमारा उठा के अपने शॉर्ट फिल्म में यूज़ कर रहे हो तो मुझे दिखा सकते हो, आई मीन मैं आपका वर्क देख के ज़रूर खुश होऊंगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार कोई कुछ सीख के कुछ बना रहा है। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसके लिए नील V007। और मैं मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।